उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल में समाजवादियों ने आज एक और ऐलान कर दिया। लखनऊ में बुलाया गया सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां शिवपाल यादव से प्रदेश अध्यक्ष पद छीनने और अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया, वहीं अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव की भी गूंज सुनाई दी, जिसे पास कर दिया गया। तो प्रस्ताव के पास होने से अखिलेश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। सपा के पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि पूरा देश यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा है, ऐसे में भी इनकी कोई बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि तब पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपील की कि इस अधिवेशन को बुलाया जाए। रामगोपाल यादव ने कहा कि दो लोगों ने पार्टी को खत्म करने की साजिश की। पहला प्रस्ताव यह रहा इस अधिवेशन में कि सर्वसम्मति से यूपी के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और उन्हें यह अधिकार दिया जाए कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जरूरत के हिसाब से गठित करें। रामगोपाल यादव ने कहा कि दूसरा प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च नेता माने जाए। तीसरा प्रस्ताव यह रहा कि शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष पद से तत्काल हटाया जाए और अमर सिंह को पार्टी से भी निकाल दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रस्ताव हुए हैं वह उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो और पार्टी के खिलाफ साजिश हो तो बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का जहां नुकसान होगा वहां कार्रवाई करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग हैं जो सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार बनेगी तो नेताजी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि पार्टी की सरकार एक बार फिर बने। उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में यह सब पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया कि पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नेताजी के बेटे की हैसियत से मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूंगा और उन्होंने कहा कि राज्य में एक सेकुलर सरकार बने यही उम्मीद करता हूं। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को नए साल की बधाई भी दी। टिकट बंटवारे को लेकर चला सियासी ड्रामा अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। खबर है कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखना यह होगा कि मुलायम सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। देखते रहिए डीवी लाइव।